आज की क्लास में देखने वाले हैं मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। जनरली मल्टीमीडिया में जो है 5 प्रकार के एलिमेंट शामिल किए गए हैं। ये डायग्राम के माध्यम से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया मुख्य रूप से टेक्स्ट, ऑडियो, एनिमेशन, वीडियो और इमेजेस, ये 5 प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर या जिनको हम मल्टीमीडिया के अंतर्गत कहा जाता है। अब यहाँ पर टेक्स्ट के माध्यम से आप जानकारी को किसी व्यक्ति को टेक्स्ट, जैसे आप चैटिंग करते हो तो टाइप करके आप जानकारी सेंड कर सकते हो। ऑडियो, आपने देखो व्हाट्सएप में टेक्स्ट के साथ साथ ऑडियो का भी एक ऑप्शन आता, आप ऑडियो के माध्यम से भी जानकारी भेज सकते हो। एनिमेशन आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट भाग है मल्टीमीडिया का, जिसके माध्यम से आप कार्टून्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो और इसके माध्यम से आसानी से बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हो। वीडियो, जैसे कि यूट्यूब या जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, जानकारी को लेने के लिए एक वीडियो बहुत अच्छा फॉर्मेट होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो चीज़ आप पढ़ते हो उससे ज़्यादा आपको तब याद रहती जब उसी चीज़ को आप देख लेते हो। आप कोई कहानी पढ़ते हो और वो कहानी आपको कुछ समय के लिए याद रहती, लेकिन उसी कहानी पर आधारित किसी मूवी को अगर आप देख लेते हो तो वो कहानी आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है, क्योंकि आपने उसे चलते हुए रियलिटी में चीज़ों को देखा है, उसको आपने एक्ट के माध्यम से देखा, एक वीडियो के माध्यम से देखा। इसीलिए जानकारी को वीडियो फॉर्मेट में देखने पर वो जानकारी लंबे समय तक आपके मस्तिष्क में, आपकी याद में बनी रहती है। इसलिए वीडियो फॉर्मेट मल्टीमीडिया का एक बहुत आप बोल सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट कहलाता है। इसके अलावा इमेज के माध्यम से भी आप जानकारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेंड कर सकते हो। जैसे अभी फिलहाल आप एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया की इमेज देख रहे हो, इस इमेज में आपको 5 टेक्स्ट या 5 ये जो इमेजेस लगी हुई है, जिसके माध्यम से बताया गया है कि कौन कौन से 5 मुख्य एलिमेंट होते हैं मल्टीमीडिया के, और इस एक इमेज में आपको इस पूरे प्रश्न का जवाब यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप इसे आसानी से, इन 5 को आपको डायग्राम बनाना चाहे डायग्राम बना सकते हैं एग्जाम में, फिर 5 को आपको साइड हेडिंग डालते हुए डिटेल में थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिखना होगा, ताकि आपको अच्छे नंबर यहाँ पर मिल सके। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।